आप सभी का नाट वाला चैनल पर। और आज हम जिस फिल्म का पब्लिक रिव्यू करने जा रहे हैं, दरअसल वो फिल्म नहीं, एक ट्रू स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, और वो है कामाठी पूरा पे बेस्ट, और उस मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो मूवी बनाई है ये हमारे डायरेक्टर, जो काफ़ी शानदार मूवी हर बार बनाते हैं, वो है संजय लीला भंसाली। और इसमें अभिनय किया है गंगूबाई की भूमिका में नज़र आने वाली है वो है हमारी सबकी चहेती आलिया भट्ट। और साथ ही आपको इसमें नज़र आने वाले हैं विजय राज, और स्पेशल अपीयरेंस जो है, स्पेशल भूमिका में नज़र आने वाले हैं जो है सबकी चहेते, वो अजय देवगन। तो चलिए जानते हैं हमारी जनता से कि ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी है कैसी लगी आपको गंगूबाई काठियावाड़ी? मूवी काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था उस बारे में कि मतलब वो जगह के बारे में भी उन लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या मतलब किस चीज़ को वो कैसे कैसे फेस करते हैं उस जगह को। और काफ़ी कुछ है जो हमने अभी नया नया ये देखा है वहाँ पे कि चलो ऐसा भी हो सकता है और इस चीज़ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। आलिया भट्ट कैसे है? आलिया भट्ट, पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था कि आलिया भट्ट का ये कैरेक्टर हो सकता है या उसको ये एक्ट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी समय तक हमने देखा विद्या बालन एंड देन हुमा कुरैशी, ये सारी जो है बोल्ड एक्ट्रेस है और इनको सूट कर सकता है करके। बट हाँ ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मज़ा आया मूवी में। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? मूवी के लिए देखा जाए तो 4 रेटिंग। ओके, पिक्चर अच्छी थी सर, एकदम बढ़िया हो, शुरू से लेके लास्ट तक अच्छी रही, कोई मतलब ऐसा बीच में हल्डल नहीं हुई, पिक्चर अच्छी रही सर। गंगूबाई कैसी लगी आलिया भट्ट? एकदम सुपर सर, एकदम बढ़िया। फिल्म में अजय देवगन भी है तो कैसे लगे? एकदम जबरदस्त सर, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? 5 में से सर उनको 4 स्टार तो लगनी चाहिए सर। अच्छी मूवी है, अच्छा, और रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है मूवी, अच्छी मूवी है। गंगूबाई कैसे लगे? गंगूबाई बहुत अच्छी लगी, आलिया भट्ट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और बहुत अच्छी सुपरस्टार, बहुत ही जबरदस्त, ऑसम, बहुत अच्छी। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? कितने आउट ऑफ 5 में से? 5 में से मैं तो दूंगा 4। कैसी लग रही है गंगूबाई काठियावाड़ी? अच्छी मूवी लग रही है। अच्छा, आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, और फिल्म में अजय देवगन है, हाँ, और विजय राज जो है जिन्होंने जी अच्छी भूमिका में नज़र आ रहे हैं, तो कैसे लग रही है उनकी मूवी? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या आदि बाकी देखना? अच्छा, और क्या स्टोरी नंबर लगी और फीलिंग आ रही पिक्चर देखने में भी, अभी आई इंटरव्यू के बाद देखना भी, अभी पॉपकॉर्न लेने आए हैं। गंगू साहब मूवी टॉप है, पर एक उसमें मतलब थोड़ा डिटेल में दिखाना था, थोड़ा मतलब गंगूबाई का जो पहला कैरेक्टर था ना वो मतलब झट से खींचा है, तो थोड़ा डिटेल में चाहिए था। अभी तक तो ठीक है, अभी बाद में देखते कैसे। इंटरवल तक मूवी हो चुका है, तो कैसी लग रही है अभी? मूवी तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, आलिया का रोल बहुत अच्छा लग रहा है। और अजय देवगन कैसे लग रहे हैं? हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन आलिया का लुक वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए, अजय देवगन का किरदार काफ़ी अच्छा दिखा है, बट वो कहता उनका थोड़ा शॉर्ट है ना, बाकी आलिया भट्ट काफ़ी दमदार एक्टिंग है आलिया भट्ट की। अब तक कैसी लगी? बहुत तोड़ पिक्चर है, मस्ट वॉच पिक्चर है। गंगूबाई बढ़िया है, विजय राज की एक्टिंग सबसे बेस्ट है, आलिया की थोड़ी कम है, मतलब विजय राज जैसी नहीं है। काफ़ी अच्छी एक्टिंग है गंगूबाई की भी और विजय राज की भी, काफ़ी अच्छी है, अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, इंटरवल तक बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। कैसी लग रही है गंगू? पिक्चर ठीक है, पर थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था, अगर इसके जगह दीपिका पादुकोण को लिए होते तो और अच्छी पिक्चर हो सकती थी थोड़ा सा। आलिया भट्ट ठीक है, एवरेज है। अच्छा, लेकिन दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा के लिए रोल था, ये आलिया भट्ट के लिए नहीं था। और जो विजय राज है उसने मस्त रोल किया, और अजय देवगन का एकदम परफेक्ट रोल है, थोड़ा और बढ़ाते तो और अच्छी पिक्चर हो सकती थी। तो कितना रेटिंग दे सकते हो आप? 5 में से 3.5। कैसी लगी मूवी? सर बहुत बढ़िया मूवी थी। अच्छा जी, परफॉर्मेंस कैसा लगा आलिया? बहुत बढ़िया था, आलिया भट्ट की एक्टिंग मस्त तो लगी। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे मूवी? मूवी बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास थी मूवी के लिए, आप पूछ नहीं सकते, बहुत बढ़िया। 5 में से 5 भाई हाथ में ना, किसी के हाथ में बोले। पिक्चर बहुत जोरदार है, एक्टिंग आलिया भट्ट की बहुत ही तूफान है, और एक नंबर पिक्चर है। जो दिखाया गया पिक्चर में वो बहुत एक्टिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छी पिक्चर, बेस्ट है। और जो कहानी है गंगूबाई की,
वो भी बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, समझाया गया है, और पिक्चर मेरे हिसाब से 5 में से 5 अमेजिंग मूवी। आलिया की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और सब कुछ अच्छा। मैं अगर स्टार्स देना तो 5 में से 5 दूँ। बढ़िया है। क्या बढ़िया क्या लगा वैसे आपको? एक्टिंग बढ़िया है आलिया भट्ट का, और डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशन और जो पुराने सीन्स जो बनाए हैं वो बहुत बढ़िया। स्टार कितना दोगे? इसको देंगे 3.5। अच्छी लगी मूवी आप? एक नंबर। कैसा? एक नंबर आलिया भट्ट की एक नंबर एक्टिंग है पूरी। अच्छा, एक नंबर लगे पूरी। अजय देवगन भी एक नंबर थे। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या अच्छा, क्या कैसा, यानी कंसेप्ट वाइज क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए भी अच्छा है। बहुत खराब में एक्टिंग बहुत अच्छी, एकदम अच्छी की, और बहुत नॉलेजेबल थी कि हमको पता चलता है कि लोग कैसे रहते हैं एंड ऑल, वो क्या रहता है। और बच्चों को इसलिए दिखाना चाहिए कि अपन कैसा बिहेव करना चाहिए और अपन बाहर निकलते समय कैसा सेफ होना चाहिए। कितना रेटिंग हो गया आपने? 10 में से 10। कैसी लगी गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म नहीं है, तो एक ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल कुछ अपन देख रहे हैं, और जो वेश्यावृत्ति के लिए जो इन्होंने किया है, जो वेश्यावृत्ति बताते हैं, अपन जहाँ पे जाते हैं देखते हैं कि वेश्यावृत्ति के यहाँ पे सिर्फ वेश्याओं का बाजार मंडा यानी किया है बस, और इसमें जो दिखाया है वो वेश्याओं के लिए उन्होंने कुछ किया है। और आलिया भट्ट का तो ने रोल जो निभाया है उन्होंने बहुत बढ़िया, और इसकी जो डायलॉग है वो तो एकदम दिल को छू लेने वाले डायलॉग है, क्योंकि एक एक डायलॉग में उसका कुछ अर्थ निकलता है। तो आप मुझे तो ये बहुत बढ़िया पसंद लगी पिक्चर, और मुझे तो लगता है कि सब लोगों ने देखना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को और घर के लोगों को भी, और एक सामाजिक तौर पे बहुत बढ़िया पिक्चर है ये। बस कितना रेटिंग दोगे आप? रेटिंग में से 4 रेटिंग तो रहेगा। बूटी सिनेप्लेक्स के मैनेजर हरीश हिरणवा, प्रेक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि पुष्पा के बाद अभी गंगूबाई पिक्चर अपने यहाँ पर रिलीज़ हुई है। अपर क्लास की पब्लिक काफ़ी है, और आलिया भट्ट ने अच्छा काम किया हुआ है। संजय भंसाली ने भी पिक्चर में थोड़ी जान डाली है, और आज के तारीख में कोरोना काल के बाद में हमारे यहाँ पर समय समय से पुष्पा के बाद में जो ऑडियंस का फ्लो देखा जाएगा वो तो गंगूबाई में देखा गया है। और आलिया भट्ट को थोड़ा सा एक अपन बोलते हैं ना कितना स्टार देना चाहिए, तो 5 स्टार देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के मान से एक्टिंग भी अच्छी की है, और आगे समय उसका उज्ज्वल हो सकता है ये पिक्चर के कारण। और गंगूबाई मेरा ऐसा है कि लेडीज़ क्लास ने उसको देखते हुए पिक्चर का एक प्रोग्रेस होना चाहिए, और डैशिंग रोल की है, और ठीक है पारिवारिक पिक्चर है नहीं, लेकिन उसमें कुछ कुछ सीखने लायक है, कुछ कुछ देखने लायक है, कुछ कुछ डायलॉग बहुत अच्छे हैं फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, और गाने भी ठीक है। तो एक एक्टिंग के हिसाब से, और संजय भंसाली कुछ ना कुछ एक हर पिक्चर में कुछ ना कुछ एक संदेश देता है, तो इसमें भी सोच एक भर दिया उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी जनता की राय, जनता का पब्लिक रिव्यू गंगूबाई के बारे में, और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म काफ़ी शानदार है, क्योंकि संजय लीला भंसाली इन्होंने बनाई है, और हर बार वो कुछ नया लाते हैं और कुछ सीखने को मिलता है उनकी मूवी में, और ऐसी ही है गंगूबाई की स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है ये। और इसमें अभिनय किया है अजय देवगन, विजय राज, काफ़ी शानदार अभिनय किया है सभी आपको एकदम क्लास नज़र आने वाले हैं। और बात कहूँगा गाने की, तो कुछ गाने अच्छे भी हैं और अच्छे लगते हैं सुनने में भी, और सबसे बड़ी बात तो है फिल्म में जो पकड़ है, और साथ ही फिल्म के जो डायलॉग है वो काफ़ी अच्छे हैं, दिल को छू जाते हैं ऐसे इस मूवी के डायलॉग है। और संजय लीला भंसाली के बारे में क्या कहना, उन्होंने सच में आलिया को कुछ अलग जगह बैठा है, और काफ़ी शानदार अभिनय, इसलिए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 में से 5 स्टार। तो ज़रूर आइए और देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी, और इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा।